good morning all of you today we will discuss about the collision theory of reaction rate there are different theories about the reaction rate first one is the collision theory and this collision theory further be divided in two parts There is the collision theory for the bimolecular reactions and the colli collision theory for the unimolecular reaction which is called as the lindbergh's hypothesis and other one is the

देखो जब भी हम कोई एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करते हैं तो उसमें हम लेते हैं. अगर हम एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन मीन्स टाइम के वर्सेज अगर हम टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास इनिशियली कंटेनर के अंदर क्या होते हैं हमारे पास इनिशियली कंटेनर के अंदर होते हैं रिएक्टेंट्स We have the और के basis के उपर, रिलेट की गई these are the तो हमारे ऑफ द रियटेंट वेन दीज रियर मूविंग साइमल्टेनियन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन एंड कोलाइडिंग विदर तो जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के लिए कुछ इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए तभी तो वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और तभी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे तभी वो कन्वर्ट हो पाएंगे प्रोडक्ट के अंदर जिसकी एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ईपी से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है वो एनर्जी ऑफ रिएक्शन से देखो कम भी हो सकती है जैसे अभी हमने दिखाया कर्व कुछ ऐसे शो कर देंगे देखो इस स्टेप से कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके समय के साथ साथ और इस से क्या बन जाएंगे आपके प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से देखो ऐसे ज्यादा हो जाती तो फिर क्या होता रिएक्शन देखो कुछ इस टाइप से चलती देखो इस टाइप से आपकी तो ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक हो जाती जो पहले हमने ड्रा की थी जिसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से बोलो क्या है कम है दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डायग्राम तो इस दोनों में से कोई भी एक डायग्राम हम ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे इन बेसिक डेफिनेशन को समझाने के लिए तो देखो हमने सिर्फ यही एक डायग्राम लिया हमने कौन सा कर्व दिखाया कि एनर्जी गेट रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट थ्रू दैट एनर्जी बैरियर एंड इन दैट केस द द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट सो दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड देखो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसे हम थ्रेशोलोल्ड एनर्जी कहते हैं इतनी एनर्जी तो चाहिए रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए ताकि जो रिएक्टेंट आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एनर्जी और इन अदर वर्ड यू कैन से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बा रिएक्टेंट मोलिक्यूल टू क्रॉस ओवर दैट एनर्जी बैरियर देखो एनर्जी बैरियर मीनस इस एनर्जी बैरियर को ये क्रॉस ओवर कर जाए तो so उसे आप क्या कहते हैं थ्रे शोल्ड एनर्जी लेकिन जैसे कि हम जानते हैं रिएक्टेंट्स मोलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी तो नहीं है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास तो एनर्जी सिर्फ कितनी है दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट सिर्फ इतनी एनर्जी है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कहां से आए सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी देखो जो हमने अभी यहां से शो किया दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में सो दैट फॉरवर्ड कन्वर्जन मीन्स कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इन टू प्रोडक्ट सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड आप ध्यान दें थ्रेश होल्ड एनर्जी की डेफिनेशन में हमने वर्ड लिखा है देखो रेड कलर से हमने शो रखा है दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कम से कम इतनी चाहिए देखो हमने ग्राफ के अंदर भी शो किया दैट इज द थ्रेश होल्ड

एनर्जी उसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं तो ये थी कुछ हमारी बेसिक डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी से अब हम कुछ और टर्म्स देखेंगे देखो ये की है। अगर ये रिएक्शन अगर आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तो क्या होता मीन्स प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्योंकि प्रोडक्ट के पास तो सिर्फ इतनी एनर्जी है दैट इज द ईपी अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए तो कुछ एनर्जी तो चाहिएगी सो दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड सो दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस ओवर दैट एनर्जी बैरियर और यू कैन से टू कन्वर्ट दैट प्रोडक्ट इंटू द रिएक्टेंट

फर्स्ट वन क्या होगा बोलो आपका रिलेशन देखो हमने ये डोटेड लाइन से ड्रा कर दिया देखो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को देखो आगे शो किया ना लाइन से अब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बीच का देखो ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज द डेल्टा एच दैट इज कॉल्ड एज द डेल्टा एच द एनर्जी गैप बिटवीन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच इसे डेल्टा एच कहते हैं अब इसको दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब बड़े ध्यान से देखना क्या है ये जो डेल्टा एच है ये क्या है बड़े ध्यान से देखो यहां पे देखो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड डायरेक्शन देखो ये जो पूरा गैप है इतनी लंबी इसमें से से अगर हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन की देखो माइनस कर दें दैट इज डेल्टा एच ध्यान देख सकते हैं तो मिस व्हाट इज डेल्टा एच डेल्टा एच कह दो या डेल्टा ई कह दो दैट इज इक्वल टू बोलो क्या है ये आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन की इनके बीच का डिफरेंस इनके बीच का बोलो क्या है ये डिफरेंस है आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस में एक्टिवेशन एनर्जी ये, ये कहां से आए तो ये क्या है अगर हम एनर्जी में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर दें तो वो क्या होगा दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक हो गया तो हम यही पुट करेंगे देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की जगह हमने क्या लिखा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस में एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट सिमिलरली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड डायरेक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस में एनर्जी ऑफ दी बोलो क्या आपकी प्रोडक्ट तो वही हमने देखो यहाँ पे पुट कर दिया एनर्जी जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है किसके लिए फॉर दी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए तो हमने ये दोनों जगह पुट कर दिया है क्लियर हो गया आपका कोई कुछ करेक्शन कर लेना ई e ए और यहाँ पे एफ की जगह देखो बी बन जाएगा अब उसके बाद आप ये बताएं कि जब इन दोनों को माइनस किया तो क्या चीज कैंसिल हो गई देखो ये माइनस एनर्जी थ्रेश होल्ड ये प्लस में या आपस में कैंसिल हो गए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट का तो देखो बोलो क्या बन गया एनर्जी हो प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज डेल्टा ई या डेल्टा एच तो वही हमने कहा था कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे आप डेल्टा एच कहते हैं सो दीज आर दी डिफरेंट रिलेशन जो आपको ध्यान रखने हैं तो जब भी कभी आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच तो आप क्या कहेंगे फर्स्ट तो वही जो हमने डायरेक्टली कहा बोलो क्या जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड में से माइनस कर दे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड सो दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच तो आप उसे क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच देखो हम दोबारा से बताते हैं देखो जो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया तो देखो इस एनर्जी बैरियर के थ्रू गया और किस में कन्वर्ट हो गया था बोलो इस से प्रोडक्ट के अंदर ठीक है तो एनर्जी ऑफ आपका कौन सा था ये फॉरवर्ड माइनस में क्या किया एनर्जी ऑफ बैकवर्ड तो आपका क्यों आ गया ये डेल्टा एच और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डायग्राम है बिकॉज हेयर द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस लेस क्यों हो गई बिकॉज समथिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज आउटसाइड अभी हम लिखे भी गया आगे डेफिनेशन भी आपको बताएंगे तो दोनों रिलेशन आप ध्यान रखेंगे इसके बेसिस के ऊपर आपके एक, एक हम न्यूमेरिकल भी लेंगे लेकिन उससे पहले ये दो डेफिनेशन वन इज द रिएक्शन अदर वन इज द एंडोथर्मिक एज द नेम शोज ई एक्स एग्जिट ई एक्स का मतलब क्या होता है बोलो एग्जिट एग्जिट का मतलब बाहर निकलना यहाँ पे ई e एन है ई e एन का मतलब बोलो क्या होगा एंट्री मीन्स एब्जोर्व एंट्री का मतलब एब्जॉर्ब जैसे एंट्री और एग्जिट एग्जिट टू डिफरेंट आपके गेट होते हैं इसी टाइप से यहां पे का मतलब निकल जाना सो द रिएक्शन एक्सोथर्मिक वो कौन सी रिएक्शन होगी देखो तो ये डायग्राम बनाया हमने पहले वाला एनर्जी लेवल डायग्राम इसमें आप ये देखिए देखो एनर्जी ऑफ देखो जो रिएक्टेंट है देखो दैट इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इधर आप देखें दैट इज द एनर्जी ऑफ द बोलो क्या है दैट इज द प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, तो में so, values, बोलो, क्या है यहाँ पे? लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें कई बार हम ये सोच लेते हैं देखो जैसे डेफिनेशन पहले लिखते हैं फिर हम उसकी सेंस बताते हैं कि दा... पहले एंडोथर्मिक का डायग्राम और चलो आपको बता दें इसमें देखें ये है एनर्जी ऑफ इधर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट दूसरी साइड आप देखें दैट इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देखो ये नेट वर्ड क्यों लिखा हमने ये ध्यान देने की बात है यहाँ पे जो भी हम आपको बता रहे थे नेट हीट इज इवॉल्व इसकी सेंस ये है कि आप कई बार स्टूडेंट ऐसे याद कर लेते हैं कि एंडोथर्मिक में तो डेल्टा एच नेगेटिव मीन इवॉल्व और एंडोथर्मिक में हीट इज हीट एब्जॉर्ब हो गई लेकिन आप बेसिक चीज ध्यान रखें जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप वेदर द द द और एंडो इनिशियली इनिशियली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू क्रॉस ओवर दैट एनर्जी बैरियर देखो यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर है ये तो दोनों में ही होगा चाहे वो आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो मीन्स रिएक्टेंट के पास तो एक कुछ एक एनर्जी ही थी जिसे आपने एनर्जी ऑफ क्या कहा रिएक्टेंट तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द आउटसाइड दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये तो हमें लेना ही पड़ेगा ऐसे ही चाहे आप डायग्राम दूसरा देखे देखो एंडोथर्मिक वाला वहां पे दैट इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कुछ एनर्जी बाहर से लेनी ही पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स इनिशियली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड

मीन्स जितनी आपने ली थी देखो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी देखो आपने बाहर से ली थी जैसे एक्सोथर्मिक में देखें देखो ये इतनी एनर्जी आपने ली है देखो दैट मच एनर्जी देखो ये लेकिन निकल कितनी गई देखो निकल गई ये एनर्जी देखो इतनी सारी एनर्जी निकल गई देखो इतनी निकल गई मीन्स एब्जॉर्ब की जितनी एनर्जी दैट इज एक्टिवेशन निकल गई उससे ज्यादा जितनी एब्सॉर्ब की पहली स्टेप स्टेपें तो एब्जर्व करनी पड़ेगी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए लेकिन निकल गई उससे ज्यादा तो उसको कहते कितनी की? निकली उससे। so कि और बाद में निकली एनर्जी वेरियर को क्रॉस करने के बाद अब ये देखना है कि की निकली ज्यादा तो यहां पे निकली ज्यादा सो द नेट हीट इज इवॉल्व सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक्जेक्ट डेफिनेशन क्या हुई कि द रिएक्शन इन विच नेट इज इजोल्ड इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे देखें आपके कुछ एनर्जी थी दैट इज एनर्जी ऑफ द रियक्ट एंड कुछ हमने बाहर से ली देट इज एक्टिवेशन एनर्जी लेकिन जो निकली एनर्जी देखो यहाँ पे दैट इज द एनर्जी ऑफ दोडक्ट है तो निकली कितनी देखो ये तो है एक्टिवेशन एनर्जी जो लेनी पड़ी अब ये अब्जोर्व तो की ज्यादा और निकली कम निकली कम तो एब्जोर्व ज्यादा की ना तो इसलिए वर्ड लिखा नेट हीट इज एब्सोर्ब सो द रिएक्शन इन विच नेट हिट इज एब्सोर्ड इज कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन इस टाइप से डेफिनेशन कंप्लीट हुई दोनों की की क्या definition हुई कि और और ये डायग्राम है आपके सामने और की sense भी हमने आपको बता दी इसके बाद अब देखो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी या डेल्टा ई की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है बोलो नेगेटिव होती है ड्यूरिंग द एक्र्मिक मींस नेगेटिव मींस हिट इज इवॉल्व और एंडोथर्मिक में क्या होगी वैल्यू डेटाई और किलो झूल पर मोल देखो हमने डायग्राम में साथ के साथ लिखते जाएंगे ताकि आपका न्यूमेरिकल इजी हो जाए सेकेंड चीज क्या है यहाँ पे देखो हमारे पास एनर्जी बैरियर है ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ बोलो क्या प्रोडक्ट हमें एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट बोलो क्या करनी है कैलकुलेट ये निकालनी है हमें उसके बाद जब ये रिएक्टेंट देखो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं देखो टाइप से डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं हो जाते डायग्राम भी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे

उसके बाद नेक्स्ट जो गिवन है वो बोलो कि अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, चलती, में, product, अगर में होते, वो भी given, 10 किलो जूल पर मोल देखो ये हमने यहां पे लिख दी अब उसके बाद और क्या गिवन थी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो हमने पहले लिख दी नाउ कैलकुलेट फर्स्ट वन डेल्टा एच वैल्यू सेकंड वन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थर्ड वन इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट तो ये डिफरेंट थिंग्स हमें निकालनी है तो देखो सबसे पहले डॉटेड लाइन हमने आगे बढ़ा दी देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की इनके बीच का जो गैप होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दैट इज द डेल्टा एच डेल्टा एच भी हमें क्या करना है बोलो यहां से ये कैलकुलेट करना है डेल्टा एच देखो थ्री चीजों के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया एनर्जी डेल्टा एच एंड द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट अब इस पूरे डायग्राम को देखें और फिर देखो क्या क्या वैल्यू है पॉइंट नंबर वन डेल्टा एच किसके इक्वल होता है ध्यान से देखें डेल्टा एच इज द

वो करेक्शन देखो क्या करनी है हमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड नहीं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एफ लिखना पहले और बी लिखना बाद में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखो मैं आगे ही लिख देता हूं दोबारा से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन ऐसे आपको करना है उसके बाद इसी टाइप से बोलो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 माइनस में 10 इज इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा दैट इज 18 बोलो कितना आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 18 तो ये चीज आप कट कर देंगे यहां पे ही वैल्यू हम पुट कर देते हैं दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलो कितनी वैल्यू है दैट इज 28 minus 10 is equal to 18 किलो जूल पर मोल ये प्लस में आएगा साइन ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि रिएक्शन बोलो क्या है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये आपको साफ-साफ दिख रही है आपको यहां पे क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है बैकवर्ड की कम है तो मीन्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अब ज्यादा होगी सो डेल्टा एच वैल्यू विल बी पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो पॉजिटिव आएगी तो कई बार आप भूल भी जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं देखिए आपका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए तो पहले जो लिख रखा था वो रॉन्ग था अब हमने उसको करेक्ट कर दिया यहाँ पे तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल चुका है डेल्टा एच इज इक्वल टू एटीन किलोजूल थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू activation energy for the forward direction activation energy of, of the forward direction plus energy of the reactant yahan pe plus likhna hai aapko plus energy of the reactant kyunki in dono ka sum hai ye energy of activation for the forward mai se bolo aapne kya karna hai yahan pe एनर्जी ऑफ देखो ये reactant यहाँ पे इस, इन दोनों को देखो अगर आप ऐड करते हो इन दोनों को तभी तो थ्रेश होल्ड एनर्जी बनेगी तो मिस 28 plus 18 energy उट फोर्टी सिक्स किलोजूलोल फोर्टी सिक्स टाइप से थ्रेश होल्ड एनर्जी भी निकल गई आपकी थ्रेश होल्ड एनर्जी और किसके इक्वल है प्रोडक्ट हमें निकालनी क्या है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगी थ्रेश होल्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन थ्रेशोल्ड अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 46 किलो जूल पर मोल माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड कितनी है बोलो 10 तो ये हमने लिखा, 46 10. तो आंसर कितना आ गया 36 किलो जूल पर मोल तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हमें पहले से पता होनी जरूरी है कि थ्रेश एनर्जी आप किससे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं रिएक्शन को चलाने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए इज़ द एनर्जी इसी बेसिस के ऊपर हमारी जो कोलिजन थ्योरी है उसके मेन पॉइंट आ जाते हैं तो नेक्स्ट वन उससे भी पहले हम एक कुछ दो वर्ड और लेंगे फर्स्ट इज द कोलिजन नंबर एंड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो हाउ डिफाइन टर्म कोलिजन नंबर नंबर से जैसे आपको पता चला आपका ध्यान एक पार्टिकल की तरफ होना चाहिए कि उस पार्टिकल ने ध्यान दे में क्या कह रहा हूं आपके पास कोई कंटेनर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है देखो इसमें देखिए आप किसी भी एक पार्टिकल की तरफ ध्यान रखें आप ब्लू की तरफ रखें रेड की तरफ रखें ग्रीन की तरफ रखें आप ये देखें देखो टाइम है वन सेकेंड का ये जो वॉल्यूम है ना वॉल्यूम इसको आप मान के चले कि एज्यूम दैट दैट वॉल्यूम इज वन सेंटीमीटर क्यूब एंड टाइम हेयर इज वन सेकेंड One second. तो तो के 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 में में देखो ऐसे ऐसे, तो हो जाता, one, ऐसे। लेकिन one second time के अंदर इस one centimeter volume में, जितने भी हैं, किसी एक पार्टिकल को एक को आप कर लें, वो और कितने पार्टिकल के साथ टकरा रहा है कोलाइड कर रहा है कितने कोलिजन कर रहा है तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन नंबर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कोज बायोगल मोलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कोज बाय सिंगल मोलिक्यूल विद अदर मोलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज कॉल्ड एज कोलिजन नंबर उसे आप कोलिजन नंबर कहते हैं ये आप ध्यान रखेंगे ये टर्म यूज होगी आपकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के अंदर जैसे ब्लू को आप देख लें देखो ब्लू जब चल रहा है तो वो किस, किस के साथ टकराया अकेला ब्लू के वैसे तो और भी कोलिजन हो रहे हैं लेकिन एक पार्टिकल को किसी को चूज करके उसके कोलिजन की संख्या आप काउंट कर लें कि लेन सेकंड में उसने कितने कोलिजन किया और वॉल्यूम कितना रहना चाहिए फिर कंटेनर का सेंटीमीटर तो उसे कोलिजन नंबर कहते हैं लेकिन टोटल कितने कोलिजन इन बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स इन वन सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इन वन फ्रीक्वेंसी सो द द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन देखो अपने इधर वाले डायग्राम में देखो तो कितने सारे पार्टिकल हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं इनके बीच टोटल कितने कोलिजन हो गए कितने वॉल्यूम में पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज कॉल्ड एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसे आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह देते हैं तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों की अपनी सेंस है आगे इनको यूज किया जाएगा इसके बाद नेक्स्ट हमारी थ्योरी दैट इज द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट इस लेक्चर में हम सिर्फ इसके बेसिक पॉइंट देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोलिजन थ्योरी फॉर द मोनो या यूनिमोलिकुलर हाइपोथेसिस कहेंगे उससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कोलिजन थ्योरी फॉर द बाई बाइमोलिकुलर रिएक्शन और उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक थ्योरी और आएगी जिसे आप कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट तो इसमें इट मीन्स इस लेक्चर के बाद हमारे थ्री लेक्चर और आएंगे तो पहला लेक्चर किसके बारे में होगा थ्योरी फॉर द यूनिमोलिकुलर नेक्स्ट और उससे भी नेक्स्ट कॉलिजियन थ्योरी फॉर द बाइमोलिकुलर रिएक्शन और उसके बाद कौन सा होगा बिल्कुल लास्ट हमारा इन थ्योरी से रिलेटेड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी तो अब हम बेसिक पॉइंट देखते हैं अपनी कॉलिजियन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के सो द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर पॉइंट नंबर वन फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस आपको पता है रिएक्शन ऐसे नहीं हो जाती अभी हमने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े उसमें हमने देखा अभी तक ग्राफ के थ्रू कि जो आपके रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स के पास तो कुछ ही एनर्जी होती है कुछ एनर्जी और चाहिए एक्स्ट्रा बाहर से ताकि वो क्रॉस ओवर कर पाए एनर्जी बैरियर को ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो जाए वही चीज हम लिख रहे हैं फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस देयर मस्ट बी द कोलिजन इन बिटवीन द रिएक्टेंट मोलिक्यूल रिएक्टेंट मोलिक्यूल के बीच देखो आपस में कोलिजन होने जरूरी है तभी तो आपकी रिएक्शन होगी लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्या होनेक्टिव देखो होने आप इस में देखो रिएक्शन चली है दैट इज दूक्लियोफिलिकब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखो आपके जो ये एक हैलाइड है देखो सी एस थ्री सी एल आप ध्यान से देखना दोबारा से देखो ये एनर्जी ऑफ देखो रिएक्टेंट है शुरू में जो हमने लिया दैट इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बाद में जो बने दैट इज दिखो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गए दैट इज कॉल्ड एज द द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ ये एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देखो ये चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी देखो इसे आप एनर्जी कहेंगे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए देखो यहाँ पे टू क्रॉस ओवर दैट एनर्जी बैरियर दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बोलो क्या एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी तो हमें बाहर से मिल गई लेकिन साथ के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए आप ध्यान से देखें देखो ओ एच नेगेटिव ने देखो अटैक किया बोलो किसके ऊपर अटैक किया देखो ये कार्बन जिसके ऊपर बोलो क्या स्लाइट पॉजिटिव चार्ज सीएल बोलो क्या होगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज देखो दोबारा से आएगा आपके सामने ओ एच नेगेटिव देखो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर बैक साइड अटैक देखो ये न्यू ये पुराने बोर्ड टूटने शुरू हो गए देखो यहाँ से नए बोर्ड देखो बनने स्टार्ट हो गए अब ध्यान से दोबारा से देखना अटैक हुआ जैसे विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन देखो हमने डॉट दिखा रखी चलती जा रही है ऐसे ऐसे डॉट तो उसके बाद फाइनली हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं अब दोबारा से देखें वो एच नेगेटिव ने अटैक किया कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर स्लाइड पोस्ट चार्ज सी एल नेगेटिव देखो निकल गया और उसके बाद सी एल फाइनल चला गया और सी एस थी ओ एच देखो ये बन गए फाइनल प्रोडक्ट आपके बन गए मिस प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ है तभी तो ये रिएक्शन आपकी चली है प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से जो यानी नी चाहिए दैट इज द थ्रेश एनर्जी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर से लेंगे दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी तो मिस कोलिजन होंगे तभी जब वो इफेक्टिव हो इफेक्टिव कोलिजन कब होंगे तो पहला पॉइंट तो हमने क्या लिखा था फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस देर मस्ट बी द कोलिजन बिटवीन द रेक्टेड मॉलिक्यूल्स पॉइंट नंबर टू द कोलिजन बिटवीन द रिएटेड मॉलिक्यूल मस्ट बी द इफेक्टिव कोलिजन नेक्स्ट पॉइंट फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन जो अभी हमने बताया था इफेक्टिव कोलिजन कब होंगे फॉर द इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल मस्ट हैव द फॉलोइंग थिंग्स

नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म प्रोडक्ट नहीं बनेंगे जैसे हमने यहां पे, पे दिखा रखा है जो प्रोडक्ट बनते हुए ये सिर्फ तभी बन रहे हैं जो मोलिक्यूल्स के पास रिएक्टेड मोलिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है एनर्जी है प्लस प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है प्रॉपर ओरिएंटेशन मींस मोलिक्यूल के बीच में हेड टू हेड कॉलिशन बिल्कुल आमने सामने देखो जैसे मैंने दिखाया नेगेटिव ने देखो ने अटैक किया बोलो किसके ऊपर देखो इस टाइप इस से वो कार्बन के ऊपर देखो जिस कार्बन के ऊपर बोलो क्या यहाँ पे स्लाइट देखो पॉजिटिव चार्ज देखो इस टाइप से तो इसी टाइप से ये अटैक हुआ प्रॉपर ओरिएंटेशन था तभी तो अटैक हुआ बैकसाइड अटैक अदरवाइज प्रोडक्ट ही नहीं बनता लेकिन ये क्यों हो पाया प्रॉपर ओरिएंटेशन था फिर भी रिएक्शन क्यों चली क्योंकि अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो क्या करेंगे इतनी एनर्जी नहीं है देखो रिएक्टेंट के पास देखो सिर्फ यही एनर्जी थी दैट इज द एनर्जी ऑफ द रिएट देखो ये जो एक्स्ट्रेन अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है क्रॉस करने के लिए दैट इजन फ्रॉम द आउट साइड इज कॉल इज द एक्टिवेशन एनर्जी नहीं तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देखो ये चाहिए थ्रेश इसके बिना तो रिएक्शन चलेगी नहीं तो रिएक्टेंट के पास तो इतनी ही है एनर्जी टू कोज द इफेक्टिव एंड अमाउंट ऑफ एनर्जीवेशन एनर्जी जैसे आपको पहले बताया गया था सो दट इज ऑल अबाउट द बेसिक पॉइंट ऑफ द कोलिजन थ्योरी तो अभी तक आपको क्या बताया हमने सिर्फ कोलिजन थ्योरी के बेसिक पॉइंट बताए हैं और प्लस इसके दौरान जो बेसिक टर्म यूज हुई एनर्जी लेवल डायग्राम की सेंस क्या है वो आपको पीछे सिखाई गई और उसके अंदर जो टर्म्स यूज हुई जैसे एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेश एनर्जी उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल क्या आ सकता है एक न्यूमेरिकल भी हमने आपको सोल्व करके दिखाया तो दीज आर बेसिक पॉइंट रिलेटेड विद द कोलिजन थ्योरी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन स्टडी करेंगे So thank you that all about the today's lecture thank you